अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल किचन विद सना। अल्लाह ताला हम सबके रिज़क में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी क्रीम फ्रूट चाट की, जो हम बाज़ार से बहुत महंगी मंगवाते हैं और खूब अच्छी तरह से बच्चे उसे खा भी नहीं सकते। तो घर पे तैयार करेंगे यही क्रीम चाट बगैर क्रीम के। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने लिया है एक गिलास दूध, ठंडा दूध। ठंडे दूध में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च और इसे डाल के खूब अच्छी तरह हमने विस्क कर लेना है कि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। और फिर हम फ्लेम ऑन करके इसे कुक कर लेंगे कि ये अच्छी सी थिक हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना। घर में कोई भी इवेंट हो, क्रीम फ्रूट चाट सबकी मनपसंद होती है, लेकिन बाज़ार से मंगवाना बहुत महंगा हो जाता है और क्रीम भी आजकल बहुत महंगी है कि घर में भी आप अच्छी क्रीम के साथ फ्रूट चाट तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इस रेसिपी के साथ आप बहुत ही इजीली बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत कम प्राइस में आप फ्रूट चाट घर पर तैयार कर सकेंगे। ये हमारा मिक्सर जो है दूध और कॉर्न स्टार्च का, ये थोड़ा थिक होना शुरू हुआ तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी को डिसॉल्व करेंगे, फ्लेम आपने स्लो रखनी है। ये देखें हल्का सा थिक हुआ, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, वो हमने डालना है जिससे इसका फ्लेवर बिल्कुल क्रीमी सा आएगा। और ये देखें जब ये जल्दी जल्दी से हमने इसे भी मिक्स कर लिया कि इसके भी लम्स ना बने। और ये देखें हमारा मिक्सर जो है वो बिल्कुल क्रीम का रेडी हो गया है। और देखें इस तरह की हमने कंसिस्टेंसी रखनी है कि फ्लोइंग हो। ये देखें जी, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ बाज़ार की महंगी सी क्रीम फ्रूट चाट में भी ज़्यादा फ्रूट नहीं होते और मैंने भी यहाँ पर थोड़े से जस्ट फ्रूट लिए हैं जिसमें सेब, केले और अंगूर हैं। आपके पास अपनी ख्वाहिश के हिसाब से जो भी फ्रूट हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो सेब को हम पील ऑफ नहीं करेंगे, जस्ट इस टाइम अच्छा सा धो के वॉश किया और इसे छोटे स्लाइसेस में हमने कट कर लेना है। ये देखिए जी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सेब कटिंग हो गए तो साथ ही मैंने इसमें केले भी कटिंग करते हैं, बच्चों को केले पसंद, केलों की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। फ्रूट हमारा सारा डन हो गया तो इसमें अंगूर भी हमने शामिल कर दिए। अब हम तैयार करेंगे अपनी क्रीम। क्रीम के लिए जो हमने मिक्सर तैयार किया था वो खूब अच्छा सा ठंडा हो गया है, इसे हमने एक बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है और बिल्कुल क्रीमी सा ये तैयार हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिए यहाँ पे पाउडर शुगर। पहले हमने रेगुलर शुगर यूज़ की थी 1 टेबल स्पून, अब हमने पाउडर शुगर यूज़ किया 1 टेबल स्पून। जी होममेड क्रीम में जो हम क्रीम शामिल करेंगे वो हमारे पास घर के दूध की मलाई, ये तकरीबन 2 किलो दूध की मलाई है जो मैंने निकाल ली थी, वो डालेंगे हम। ये देखें बिल्कुल बाहर की कोई हमने टेट्रा पैक क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं किया। ये डालने के बाद हमने खूब अच्छी तरह से इसे विस्क कर लिया कि ये इसके लम्स ख़त्म हो जाएँ। अब लास्ट में इसे थोड़ा सा साल्टी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून मायोनीज़, जिससे बिल्कुल ये बाज़ारी क्रीम तैयार हो जाएगी। इसका फ्लेवर कोई गैस ही नहीं कर सकेगा कि आपने इसके अंदर बाहर की क्रीम डाली है या आपने फ्रूट चाट घर पे तैयार किया। ये हमारी क्रीम जो है रेडी हो गई है, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रूट्स में और खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। थोड़े से फ्रूट में जब इतनी ज़्यादा होममेड क्रीम जाएगी तो खूब अच्छे से कोटेड होगा फ्रूट क्रीम से। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल किया है ब्लैक पेपर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम और खजूरें जो कि बाजारी फ्रूट चाट में भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा भी आप जो भी नट्स पसंद करें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। नट्स डालने के बाद इसे मिक्स किया और अब हम इसे सर्व करेंगे और आपको अपनी मज़ेदार सी सस्ती लो बजट की बनी हुई क्रीम फ्रूट चाट सर्व करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। तो व्यूवर्स आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपके घर में कोई भी इवेंट हो, बर्थडे हो, दावत हो, तो ढेर सारी फ्रूट चाट कम पैसों में आपने घर पे ही रेडी कर लेनी है। ये देखिए जी थोड़ा सा इसे गार्निश कर दिया ग्रीन और रेड जो होते हैं शर्फियों के साथ और ये देखिए इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त हो गई। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये अच्छी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।